ये है इसका वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 πr² एच। क्या कर्व सरफेस एरिया को मुझे करना है, लीस्ट करना है, उसका कर्व सरफेस एरिया लीजिए यानी एस, एस क्या है आपके पास, पाई आर एल, ये कंडीशन होती है। अब मुझे अगर हाइट को मैंने एच लिया है, रेडियस एल है, आर है, प्लांट है आपका एल है, तो इन तीनों का जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन दिस वन एंड दिस वन इज एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, जो मुझे प्रूफ करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया, एस स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। क्लियर? ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं एल स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लूंगा इसकी एल स्क्वायर की। तो क्या किया मैंने, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इस एल स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ से वैल्यू डाल दी और एस स्क्वायर का नाम रख दिया मैंने जेड। तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर की जगह पुट किया मैंने, दैट इज योर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो जेड आ गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब मैं एच की वैल्यू, इस एच की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से, एच यहाँ से निकाल सकता हूँ, क्या आएगा, थ्री वी अपॉन पाई आर स्क्वायर। इस स्टेप से एच की वैल्यू आ जाएगी एच इक्वल टू 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर को लेके यहाँ पुट कर देता हूँ, तो एच स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा 9v² अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, लिखा जाने दिया, ठीक है। अब क्या करूंगा, ये वैल्यू आ गई, अब मैं सीधे फॉर मैक्सिमा मिनिमा dz अपॉन dr निकाल के जीरो कर दूंगा, dz अपॉन dr निकाल के जीरो कर दूंगा। अब इसको से मल्टीप्लाई कर लो, कैंसिल आउट कर लो, तो dz अपॉन dr इक्वल टू जीरो करोगे तो ये कंडीशन रियली आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, ये सीधा डायरेक्ट आ जाएगी। तो dz अपॉन dr को आप जीरो करो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्लियर। इसको से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पाई स्क्वायर से कट जाएगा, आर से कट जाएगा, फिर इसको से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो आपका dz अपॉन dr आएगा, डायरेक्ट आएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 2r², तो एच आ जाएगा √2r, ये सीधे आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक। अब मैं करूंगा सेकेंड, d2z अपॉन dr², इस स्टेप से जो आएगा दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बात किसकी कर रहा है, वो मिनिमाइज की कर रहा है, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, दिस वन इज पॉजिटिव साइन, तो आपका क्या होगा, सरफेस एरिया आपका मिनिमाइज हो जाएगा, क्लियर। और ये कंडीशन जब डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे तो कंडीशन भी प्रूफ हो जाएगी। ये क्वेश्चन किया मैंने, CBSE 2010 का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था उसने। सर डाउट? हाँ पूछो बेटा। सर ये हमने ऊपर एच की वैल्यू 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर निकाली है, तो हमने ये जेड में पाई स्क्वायर आर क्यों डाला है? जेड की जगह पाई स्क्वायर आर का लिखा रहने दिया, सिर्फ इस एच की वैल्यू यहाँ से लेके पुट की मैंने, ये एच की वैल्यू जो है ना, ये इसका होल स्क्वायर करके पुट कर दिया और dz अपॉन dr कर दिया मैंने, एच को सब्स्टिट्यूट कर लिया आर के टर्म्स, ठीक है। सर डेरिवेटिव करेंगे क्या आ रहा है सर? ये डेरिवेटिव करके एच स्क्वायर इक्वल टू 2r जाएगा √2r। डन डन, दिस इज योर आंसर, क्लियर। आप देखो ध्यान से, एक और करते हैं, CBSE 2012, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन।
सर आपको उसमें एक ट्रेपेजियम दिया है, ट्रेपेजियम इज गिवन दिस वन एंड दिस वन, ये ट्रेपेजियम बना दिया मैंने, नाम रख दिया इसका ए बी सी डी, ठीक है। कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ, कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ थ्री साइड ट्रेपेजियम आर अदर देन द बेस इज 10 सेंटीमीटर ईच, अदर देन द बेस मतलब इसको छोड़ के तीनों साइड की लेंथ दे रखी उसने 10 सेंटीमीटर, 10 है ये भी 10 है ये भी 10 है, ठीक है। क्या कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम अदर देन द बेस इज 10 सेंटीमीटर ईच, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम, तो इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है जब ये मैक्सिमाइज हो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमाइज। ध्यान से ये ऐसे ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये ऐसे ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये 10 है तो ये भी आपका 10 हो गया। अब ये मैंने x ऐड किया ये ना, ये अगर x है तो ये साइड भी आपका x आ गया, ये छोटा सा, तो ये x है ये 10 है ये 10 है। अब मैं आपसे डिस्कस करूं अगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या बोलते हैं, तो एरिया हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल, नहीं आवाज नहीं, ध्यान से सुने, डाउट हो मैं अपने आप डिस्कस करूंगा, रिकॉर्डिंग बंद करके एक एक चीज पूछूंगा फिर आप बताएंगे। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अगर ये 10 है, अगर ये 10 है तो ये क्या होगा, ये होगा 10 प्लस 2x, ठीक है। ये साइड 10 है, ये 10 है, ये x और ये x है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 10 प्लस 2x, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू into height, यानी ये this is your height, ये 10 है ये x है, तो ये साइड निकाल लेंगे तो ये आएगा 100 का माइनस x स्क्वायर, यू फादर उस सिरम लगा देंगे 10 का स्क्वायर 100 माइनस x स्क्वायर का रूट, तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो हाइट आ जाएगी रूट ऑफ 100 माइनस x स्क्वायर, क्लियर, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आई, ये ट्रायंगल, अरे पता कुछ रम लगेगा 10 का स्क्वायर इक्वल टू दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस x स्क्वायर, यहां लाके पुट कर दिया हाइट की जगह। अच्छा सर ये करके दिखा रहा है पाइथागोरस, यस यस हम शो कर देंगे आप कि dm dm की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हाफ 20 प्लस 2 तो 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 10 प्लस x इनटू 100 माइनस x का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो a इक्वल टू आई आपके पास ये वैल्यू a इक्वल टू 10 plus x into this. अब क्या करेंगे for maxima and minima. For maxima and minima, तो क्या करेंगे dA upon dx निकाल के, हम निकालेंगे dA upon dx must be zero. तो dA upon dx जब zero करेंगे तो आपकी last step है लिखता हूँ, condition आएगी minus 2x square minus 10x, पूरा कंप्लीट करेंगे कॉपी में, लास्ट स्टेप मैं लिख रहा हूँ दिस होल डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स स्क्वायर, जब इसको आप इक्वल टू जीरो करेंगे, ठीक है, तो जीरो करेंगे तो फैक्टर बन जाएगा, ये वैल्यू जीरो होगी ओ आर, और दैट इज योर 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 100 इक्वल टू जीरो, टू कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू जीरो, फैक्टर बन जाएंगे 5 और 10, फैक्टर आ जाएगा x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 10, तो क्या करेंगे आप x इक्वल टू 5 और 10, अब आप ये दो वैल्यू आ गई, माइनस 10 को छोड़ देंगे क्योंकि हाइट कांट बी निगेटिव, अब हम निकालेंगे सीधे डी टू ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स वाले स्टेप से, तो क्या देखेंगे वो आ जाएगा आपका लेस देन जीरो, क्योंकि उसने आपसे मैक्सिमाइज के बारे में पूछा है, और x इक्वल टू 5 को जो फॉर्मूला क्रिएट किया था कौन सा उसमें पुट कर देंगे तो एरिया आ जाएगा, फॉर्मूला बना था आपका ये वाला 10 प्लस x इंटू रूट ऑफ 100 माइनस x स्क्वायर, इसको पुट कर देंगे तो एरिया ऑफ योर ट्रेपेजियम आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। सर 75 रूट 3 आ रहा है मेरा, हाँ 75 रूट 3 सेंटीमीटर, एक्स वैल्यू 5 पुट कर लेंगे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा।
ये सब मैं सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन कर रहा हूँ जो इसमें आए हैं आपके मैक्सिमा और मिनिमा में, इसलिए इनको बहुत ध्यान से करना है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लियर? और देखो क्वेश्चन कर रहा हूँ, ध्यान से इसको देख ले, लिख ले, एक मिनट दूंगा बस करने के लिए, फिर से मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ। क्लियर? आप देखो एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, कल मैंने वॉल्यूम लार्जेस्ट वाला लिया था, मैंने लार्जेस्ट के अंदर पुट कर दिया था। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखे, आप जो बोल रहा हूँ टिपिकल इन द सेंस की थोड़ा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। कह रहा है द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब एक कोन है, इस कोन के अंदर मैं डाल रहा हूँ एक सिलेंडर ऐसे, ठीक। लैंग्वेज क्या है, शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, सिलेंडर की हाइट निकालनी है मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए। शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए कोन इज 1/3h, 1/3 h होगी, यानी अगर कोन की हाइट अगर h है, जो सिलेंडर की हाइट है और उसका मैक्सिमम वॉल्यूम तब होगा जब सिलेंडर का जो हाइट है दैट इज 1/3 ऑफ दिस, ये प्रूफ करना है। तो सिलेंडर की हाइट को मैं ले लेता हूँ कैपिटल एच, यानी आपको प्रूफ करना है एच इक्वल टू 1/3 h, तब जब एक कोन के अंदर मैं सिलेंडर रख देता हूँ और सिलेंडर का वॉल्यूम मुझे मैक्सिमाइज करना है, तब होगा अब जब हाइट उसकी सिलेंडर की कोन की हाइट की 1/3 होगी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो सिलेंडर का मैंने ले लिया रेडियस आर, तो पाई आर स्क्वायर एच ये गिवन है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जब कोन के अंदर सिलेंडर आए तो उसके सीधे से ज्वाइन कर लिया करो ऐसे और आगे तक ऐसे बढ़ा दिया करो, क्योंकि मेन जो कॉजिंग फैक्टर ये होता है, पहले क्वेश्चन कर चुका हूँ फर्स्ट और सेकेंड क्लास में, मुझे इस सिलेंडर की हाइट निकालनी है, कोन की हाइट दे रखी है स्मॉल एच, सिलेंडर की हाइट आपने एच एज्यूम की है, तो इनका कोई रिलेशन या पुट हो जाए जिससे मैं डिफरेंशिएट करके जीरो करूं तो ये कंडीशन आपकी कैलकुलेट हो जाए। तो ऐसे सोचते हैं, तो सोचा क्या मैंने, मैंने सोचा कि ये ट्राइंगल द्वारा बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो रहे हैं, ये 90 है, ये भी 90 है, ये एंगल दोनों का सेम है, ये बिग ट्राइंगल और ये स्मॉल ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं, तो जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं तो इस वाले का, यानी इसको नाम रख दिया ए, सपोज ये दिस इज योर सी पॉइंट, ठीक है, ये दिस इज योर बी पॉइंट, तो ये लिया मैंने ए सी, सिमिलर है तो लिखा मैंने ए सी अपॉन, और इस पॉइंट पे लिखा मैंने ई, ठीक है ना, और ए सी इसका और ये पूरा ले लिया साइड, यानी ये दिस वन पूरी है इसकी रेडियस, अभी पूरा रेडियस एक बार कवर हो जाए, ए बी सी इसको बोल दिया डी, तो ए सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बार हाइट, यानी इस वाले का हाइट अपॉन इसका, इस वाले का हाइट अपॉन ये, तो ये पोर्शन आप बता रहे कैपिटल एच है। अब ये पार्ट निकालना है, ये आपने कैपिटल आर लिया है तो ये पार्ट कितना होगा, इस पूरे में से ये माइनस हो जाएगा इस पूरे में से, तो मैंने क्या किया, मैंने सिलेंडर ये जो कोन का था, कोन का रेडियस आर ले लिया, आर में से एच को माइनस कर देते हैं, आर में से एच को माइनस कर देते हैं, मुझे यहाँ से क्या चाहिए, मुझे यहाँ से हाइट का चाहिए रेशियो, और ए सी, ए सी क्या लिखी थी आपने एच, सी डी, सी डी क्या लिखा था आपने आर इक्वल टू एच अपॉन आर माइनस एच, ठीक है, तो यहाँ से कैपिटल आर निकाल सकते हैं आप। अच्छा कैपिटल आर ये लिया था, तो आर माइनस कैपिटल आर ऐसे लिख दो तो जल्दी समझ में आ जाएगा,
अब वॉल्यूम लगाया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, फिर हम करेंगे डी वी अपॉन डी एच इक्वल टू जीरो कर देंगे। कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मैंने क्या किया एक ये ट्रायंगल और एक ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर करके कैपिटल आर किसका लिया मैंने सिलेंडर का, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली सिलेंडर का ही चाहिए ना मुझे, तो कैपिटल आर की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट कर देंगे डीवी अपॉन डीएच को, जब जीरो कर देंगे तो कैपिटल एच और स्मॉल एच ही बचेगा, उसका रिलेशन आ जाएगा और उसका रिलेशन वो ये होगा, जब प्रूफ कर दोगे तो ये आ जाएगा कैपिटल एच इक्वल टू एच अपॉन थ्री, तब जब डीवी अपॉन डीएच को आप जीरो करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। कैसे कर दोगे, दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाओगे आप, क्योंकि जब तक ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे कैपिटल एच स्मॉल एच कैपिटल आर स्मॉल आर का रिलेशन नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये कुछ इस तरह से अप्लाई किया, और डीवी अपॉन डीएच इसलिए किया क्योंकि मैंने हाइट को ही, अगर आर करता तो आर जीरो हो जाता, इसलिए मैंने डीवी अपॉन डीएच किया। अब जीरो करूंगा तो इससे क्या होगा, एच कैपिटल एच स्मॉल एच का रिलेशन डेवलप हो जाएगा मेरे पास। फिर अब मैं सीधे सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लूंगा, फिर मैं सीधे सेकेंड डेरिवेटिव निकालूंगा डी टू वी अपॉन डी एच स्क्वायर, वो आपको पहले से पता होता है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, क्योंकि मैक्सिमाइज, क्योंकि जब वो मैक्सिमाइज होता है तो नेगेटिव आ जाता है, मिनिमाइज होता है तो ये पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लेना अच्छे से, दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोबारा फिर से करना है आप लोगों को, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके पास सोल्यूशन हो क्वेश्चन के। क्लियर, तो ये और कुछ क्वेश्चन थे जो हम लोग अभी तक कर रहे थे चैप्टर 6 में मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चंस का। तो इस तरह से मैंने आपका अब तक चैप्टर ये 6 वाला पूरे अच्छे से सारे वर्ड वॉल्यूम कर डालिए, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, अब आप इसकी आज प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट आज कर देता हूँ, इंट्रोडक्टरी पार्ट किसका, चैप्टर 1 का, वो पार्ट जो आपने से 11th में पढ़ा था। तो ये चैप्टर 6 का आपका एंड पॉइंट था, जिसमें कर रहे थे, जिसमें आप सीख रहे थे मैक्सिमम मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम, और क्वेश्चन में डेली की जरूरत देता जाऊंगा, और जैसे आपकी अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस हो जाए, ठीक। अब आता है हमारे पास थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कौन सा, चैप्टर 1 और 11th में आपने बहुत अच्छे से किया था, नाम इसका रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन लास्ट का पार्ट था, इसलिए मैंने इसको वाइंड अप कर दिया आज। रिलेशन फंक्शन का आज मैं पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर कर लूंगा, जिससे आपको कल की क्लास में और आसानी हो जाए। इसको मैं ब्रेक करके करता हूं, सबसे पहले रिलेशन, ये सब 11 पढ़ा था वही मैं रिवाइज कर रहा हूँ। रिलेशन सबसे पहले आया था वर्ड आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सपोज मेरे पास एक ए सेट था 1, 2, बी सेट आया a, b, मैंने कहा चलिए ए का बी के साथ प्रोडक्ट निकालिए, तो आप निकालेंगे a क्रॉस b, मतलब ऑल द पॉसिबल ordered pair, all the possible ordered pair, all the possible ordered pair, तो 1 का a के साथ बनाया मैंने 1, a, 1, b, फिर 2 का बनाया 2, a, 2, b, तो सारे आप अपने क्या करते हैं, all the possible ordered pair लिखा आपने a का b से, अगर मैं बोलूं b का a से लिखें तो आप b से स्टार्ट करेंगे, a का 1 से, a का 2 से, तो ये आ गया a, 1, a, 2, ऐसे b का स्टार्ट करेंगे 1 से,
तो b कॉमा वन और b कॉमा टू आ जाएगा। ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं है तो आप बता रहे हैं a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। कहने मतलब ये है कि जो कार्टिजियन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। ये सारे आपके ऑर्डर्ड पेयर बनने शुरू हो गए, ये सब आपने क्लास 11th में चैप्टर 2 में पढ़ा था, ठीक है। तो आपने ये ऑर्डर्ड पेयर यानी कार्टिजियन प्रोडक्ट सीख लिया, लेकिन इसमें एक कंडीशन पढ़ी थी आपने। कंडीशन क्या थी कि ए और बी आपके एम्प्टी सेट नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों में अगर एक भी एम्प्टी सेट हो गया, एक भी एम्प्टी सेट हो गया तो रिलेशन आपका एम्प्टी हो जाएगा, यानी नल सेट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए है आपके पास 1 2 3 और मान लीजिए बी है आपके पास एम्प्टी सेट, या ऐसे लिखें या ऐसे लिखें 5, तो इन दोनों को अगर क्रॉस करेंगे तो आंसर 5 आएगा। मतलब कोई एक भी एम्प्टी हो जाए तो एम्प्टी आएगा, या दोनों एम्प्टी हो जाए तो आंसर एम्प्टी हो जाएगा। तो कार्टिजियन प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब दोनों के दोनों सेट आपके नॉन एम्प्टी होने चाहिए। दिस वन द कंडीशन, नॉन एम्प्टी, देन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज पॉसिबल, ठीक है। ये हमने सीखा था क्लास 11 में कार्टिजियन प्रोडक्ट, क्योंकि इसी से वर्ड आपका क्लियर होगा, ये रिलेशन। जैसे आपने दो नॉन एम्प्टी सेट लिए और उनसे कोई रिलेशन बना लिया ए क्रॉस बी का, तो सारे आपके ऑर्डर पेयर आ गए। तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट थी, यानी जितनी आपको जरूरत थी, उतनी आपने यहाँ से ऑर्डर पेयर सेलेक्ट कर लिए, उनको लाके आपने यूज कर लिया। तो दीज आर व्हाट, दीज आर नोन एज द रिलेशन। यहाँ से वर्ड डिस्कस हुआ मेरा, रिलेशन क्या, रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, वेयर ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। रिलेशन आर क्या, ए और बी का सबसेट है, और ए और बी कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। यहां से आपने डिस्कस कर लिया, दैट इज द रिलेशन, क्लियर। तो यहां से रिलेशन वर्ड डिस्कस हुआ, आप इसको लिख भी लेंगे। रिलेशन क्या है, रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, वेयर ए एंड बी आर, वेयर ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। क्योंकि अगर एक भी एम्प्टी सेट हो गया तो ये पूरा का पूरा जो रिलेशन है ये आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो रिलेशन तभी बनेगा जब ये और दोनों आपके नॉन एम्प्टी सेट हो, क्लियर। तो ये हमने डिस्कस किया रिलेशन बना कैसे, आया कैसे था, जो आपने क्लास 11 में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था। अब इसमें मेन चीज आपके पास टाइप, दैट इज टाइप ऑफ रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट को लिखा आपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फर्स्ट आया आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी जब दोनों एलिमेंट कॉमन हो जाएं, जैसे कोई सेट ए है 1 2 3 और आपका ऑर्डर पेयर बन जाए, सपोज 1 1 बन जाए, 2 2 बन जाए, 3 3 बन जाए। अगर इस सारे एलिमेंट रिपीट हो जाएं, ऑल द एलिमेंट्स आर रिपीटेड, देन यू कैन से दिस इज योर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसीलिए इसकी कंडीशन क्या, ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अबव रिलेशन इज नोन एज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये था रिलेशन का फर्स्ट टाइप। टाइप टू, दैट इज योर सिमेट्रिक रिलेशन। टाइप टू आया आपका सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कोई सेट ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट दे रखे हैं जैसे आपके, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक कब होगा, इफ ए कॉमा बी अगर बिलोंग करता है आर को, देन बी कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर, यानी इसका रिवर्ट हो जाएगा। मतलब अगर 1 2 किसी रिलेशन को बिलोंग करेगा तो 2 1 को भी बिलोंग करना पड़ेगा। अगर 1 2 है तो 2 1 भी करेगा। अगर ऐसा होता
करना है देन दिस इज योर सिमेट्री रिलेशन. फॉर एग्जाम्पल लाइन एल वन और ये रही लाइन एल टू, एल वन एल टू के पैरेलल है. आप बोल सकते हैं कि सर एल टू भी तो एल वन के पैरेलल है. ओ आर एल टू ऑल्सो पैरेलल टू एल वन. रिलेशन कैसा हुआ? दिस इज योर सिमेट्रिक रिलेशन. थर्ड आता आपका ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव में क्या होगा? इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, इफ बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, देन ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग टू आर. मतलब ए और बी करे, बी और सी करे तो डायगनल ए और सी, तो ए और सी को भी करना पड़ेगा. अगर ऐसा होता है, करता है, तो ये होगा आपका ट्रांजिटिव. अगर नहीं करता है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा. कर रहा है आर, बी कॉमा सी कर रहा है आर को, देन ए कॉमा सी शुड बिलोंग टू आर, तभी होगा ट्रांजिटिव. एग्जांपल लिया मैंने L1, L2, L3, L1, L2 के पैरेलल, L2, L3 के पैरेलल, तो L1 और L3 क्या हुए? आपस में L1, this is what, this is your, clear? अब सबसे लास्ट में आता है आपका इक्विवेलेंस. एक मिनट बेटा आ जाएगी. इक्विवेलेंस रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, मतलब एक ऐसा रिलेशन मैं डिस्कस करूं, एक ऐसा रिलेशन डिस्कस करूं जो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन. क्लियर है? पहला था रिफ्लेक्सिव. यस वरुण, रिकॉर्डिंग थोड़ा आपको ऑफ कर दो, अब मैं डिस्कस करूंगा बच्चों से.